है दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है DPI ऑप्शन। हमारे टेक्नो के फ़ोन में DPI ऑप्शन को हम इनेबल कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका फ़ोन अगर टेक्नो फ़ोन से रिलेटेड है या फिर नहीं भी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप अपने फ़ोन में इस सेटिंग को ऑन कर पाएंगे, DPI ऑप्शन को इनेबल कर पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से होने वाला है यह सेटिंग। तो हम वीडियो में डायरेक्टली आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम जो भी है या फिर आप जिस सेटिंग को ऑन करना चाहते हैं अगर आपके फ़ोन में हो जा रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी न्यू वीडियो बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो भी फ़ोन है उस फ़ोन से आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। तो इस तरह से हम अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ करना क्या है कि हमें यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से सिस्टम में चले जाना है। अगर आपका टेक्नो फ़ोन है, टेक्नो फ़ोन जो भी फ़ोन हो आपका, टेक्नो फ़ोन किसी भी मॉडल का, तो आपको एक सिस्टम का बटन आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अबाउट फ़ोन का, यहाँ से अबाउट फ़ोन के ऑप्शन पर हमें चले जाना है। और यहाँ पर हमें एक बिल्ड नंबर करके मिल रहा है, बिल्ड नंबर। अगर आपके फ़ोन में इस तरह से आपको नहीं मिल रहा है बिल्ड नंबर, ये वाला बिल्ड नंबर, तो आपको यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से बैक आना है और यहाँ से सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है बिल्ड नंबर। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से बिल्ड नंबर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने बिल्ड नंबर सर्च, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्ड नंबर करके ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि इस बिल्ड नंबर पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर पहले वाले ऑप्शन से अगर आपके फ़ोन में नहीं मिल रहा है, तब आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है सर्च करके। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे बिल्ड नंबर हमें मिल चुका है सर्च करके। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस बिल्ड नंबर पर 6 से 7 बार 8 बार हमें टैप करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टैप करेंगे, टैप करते रहेंगे, और कुछ इस तरह से आने के बाद आपको यहाँ पर आपके फ़ोन का पैटर्न मांगेगा। तो जो भी आपका लॉक होगा वो यहाँ पर आपको दे देना है। तो जैसे ही हम दे देते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन का हमें जो पहला पड़ाव था वो हमने पार कर लिया, और यहाँ से हमें बैक आ जाना है। और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं कि अभी वापस से हम चलते हैं सिस्टम में। और सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन एक ओपन हो चुका है। तो इस डेवलपर ऑप्शन पहले से आपके फ़ोन में नहीं होगा, इस तरह से आप बिल्ड नंबर पर टैप करके इसको ऑन कर लीजिए, और उसके बाद डेवलपर ऑप्शन पर आपको जाना है। अगर डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसी पहले वाले प्रोसेस की तरफ आप जाके वहाँ से सर्च बार में जाके सर्च कर लीजिए। वहाँ से आप सर्च कर लेंगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से इसे टैप करके ओपन कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शन को। तो यहाँ से हम डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद अब हमारा बारी आता है DPI ऑप्शन का। तो DPI ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पर देखना है बहुत सारे सेटिंग है। तो यहाँ से आपको कुछ भी इनेबल नहीं करना है। अगर आप इनेबल कर देते हो तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है फ़ोन में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा वैसा इनेबल नहीं करना है। तो सभी को जैसा है वैसा ही रहने देना है, और उसके बाद हमें नीचे की तरफ जाते रहना है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है स्मॉलेस्ट विड्थ, तो यही ऑप्शन आपका DPI ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें टैप कर लेना है। और यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से 360 है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 800 यानी कि 800 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आप 800 से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपका फ़ोन का जो भी सिस्टम है, प्रोसेसिंग का सिस्टम है, वो सारे यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, आपके फ़ोन का प्रोसेसर ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 800 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। आप यहाँ पर 700, 600, 500 तक बढ़ा सकते हैं। मैं तो बोलूँगा 600 से ज़्यादा नहीं बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर 320 पहले से था, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा तो आपको 600 तक आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में DPI ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।